दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को एनएसएस महिला विंग, दिग्विजयनाथ महाविद्यालय महिला छात्रावास और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास की छात्राओं के संयुक्त तत्वावधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छात्राओं द्वारा छात्राओं के लिए आयोजित था। इस कार्यक्रम में गोरखपुर जिले के कई विभागों के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं के हित लाभ के लिए चलाई जा रही अपनी अपनी विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में विधिवत बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिग्विजयनाथ महाविद्यालय महिला छात्रावास के प्रभारी तथा महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास की सह प्रभारी डॉक्टर शशि प्रभा सिंह ने किया। इस संबंध में डॉक्टर शशि प्रभा सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रशासन के अलग अलग विभागों की योजनाओं से संबंधित पंपलेट की प्रतियां छात्राओं में वितरित की गई और एक प्रश्नावली प्रपत्र भी भरवाया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य के परामर्श के अनुसार आगे भी छात्राओं के द्वारा किए जा रहे योजनाओं के प्रचार प्रसार को फॉलोअप किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के शिक्षा शास्त्र की सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी चौधरी एवं दिग्विजयनाथ महाविद्यालय महिला छात्रावास की प्रभारी तथा महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास की सह प्रभारी डॉक्टर शशि प्रभा सिंह ने कहा, धन्य है भाग्य हमारे का स्वागत और सत्कार। से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है साहब, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है साहब, और घर के दरवाजों पे सजा रखा है सच बोलो सच। तो मैं अपनी बच्चियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई। आपका अनुशासन देख करके, और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के गोरखपुर को मैंने प्रतिनिधित्व किया था और अपनी बच्चियों अपनी बहनों के साथ विश्व भारती कोलकाता लेकर के 9 लड़कियों को गई थी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के लिए। दूसरी बार नेशनल इंटीग्रेशन का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला सेंट एंड्रयूज कॉलेज में ही, और मैं पूरे पूर्वांचल की लीडर थी। तो मुझे अपार खुशी हो रही है कि जो अनुशासन प्रियता उस वक्त मेरे साथ मेरी बहनें दिखाती थी, इतने वर्षों बाद कहते हैं ना कि जमाना बदल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अनुशासन में बदल गया है और ये आप प्रदर्शित कर रहे हैं। मंचासीन समस्त अभ्यागत अतिथिगण और मेरी बच्चियों, आज का दिन बहुत शुभ है कि इतनी सारी मातृशक्ति, इतनी सारी छात्राओं की शक्ति एक मंच पर एकत्रित है और पूरी तन्मयता के साथ सुनने हेतु तत्पर है। मैं चूंकि लीगल सेल से हूं, तो लीगल सेल के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते कानून जो महिलाओं के लिए बने हैं और उस कानून को उनकी पहुंच के बाहर होने पर उनकी क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, इस पर अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगी। और आप सबों के कोई प्रश्न होंगे तो मेरी पूरी पूरे बल के साथ मैं उसका निराकरण करने का प्रयत्न करूंगी। इसलिए मैंने प्रश्न भी किया था, 26 नवंबर 1949 को
मनाए जाने का प्रावधान हुआ, किंतु यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आप यहाँ से निकलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं भी देंगे। तो मेरा नाम शकुंतला गौर है और मैं महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास से हूँ। जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये हम लोग के जीवन को सुधारने के लिए किया गया है। और जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, उद्देश्य है, तो मैडम ने हम लोग को बताया कि किस तरह औरतों को, महिलाओं को समाज में सम्मान देना चाहिए, अपने आप को सुरक्षा करने के लिए जागरूक होना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और अगर हम जागरूक होते हैं तो अपने आस पास पड़ोस के जितनी भी छात्राएं हैं या बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं, उनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं इसके माध्यम से, और उनको जागरूक कर सकते हैं कि इसका अगर हम लोग लाभ उठा सके तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं दूसरों से। आजकल जो भी देखा जा रहा है, रेप, मर्डर वगैरह, वो सब एक बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही मार्मिक है। और इसको ही जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम हमारे दिग्विजयनाथ महाविद्यालय से रखा गया है। बस इतना ही। मेरा नाम प्रीति पांडे, मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा हूँ, गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखपुर। हम लोग को यही संदेश दिया गया है कि महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, उनका कैसे विकास किया जाए, और कैसे एक छोटी सी बच्ची को उसको ऐसे भी बनाया जाए कि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, शिक्षित हो सके और अपने परिवार, अपने गाँव, समाज सबका नाम रोशन कर सके और आगे बढ़ सके। ये मैम हम लोग को शिक्षा दी और इस कार्यक्रम से हम लोग को ये सीख मिला है। इसका इस कार्यक्रम के में जो आपको जानकारियाँ मिली है, इसका अभी और लोगों को अपने आस पड़ोस के लोगों के आपने साथ लड़कियों को बताएंगे? इस कार्यक्रम में हमें जो जानकारियाँ मिली हैं, हम अपने गांव, अपने क्षेत्र और घर से महिलाओं में सबसे बताएंगे और ये सबको सशक्तिकरण करेंगे कि महिला अपने आप से बहुत सुरक्षित महसूस करेगी। और इसके लिए हम लोग को कुछ बताया गया, नंबर्स भी जैसे 1090 बताया गया है कि अगर महिला कोई दिक्कत में है तो कॉल करे और उससे संपर्क करे, उसको पूरी सहायता मिलेगी उसको। मेरा नाम साक्षी द्विवेदी, बीकॉम थर्ड ईयर, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको 1076 एक नंबर दिया गया है, जिससे हम वुमेन पावर लाइन यूपी का वो नंबर है जो हमारे चीफ मिनिस्टर द्वारा है, इस पे हम किसी भी अगर अपना हम यूपी तक अपना वो कोई भी अगर मेरे साथ अपराध होता है, कोई भी बलात्कार होता है किसी भी लड़कियों के साथ, तो 1076 नंबर पे कॉल करके हमारी वुमेन पावर लाइन यूपी को अपना इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। और जैसा कि आज 1090 भी बताया गया है, जो हमारे भारत सरकार का पावर लाइन का नंबर है, जिसमें हम कॉल करके अपनी पूरी अपना जो भी हमारे साथ बलात्कार होता है, किसी भी तरह का अपराध होता है, तो हम 1090 जो हमारे भारत सरकार का नंबर है उस पर करके हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। और 181 भी हमको एक नंबर दिया गया है, जो कि जिसमें हम ये हमारे लिए फ़ायदा ये है किसी भी लड़कियों के लिए कि बिना अपना नाम बताए हम अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, वो 181 नंबर है। तो हम सभी इन लड़कियों को, हमारे भारत की पूरी लड़कियों को या और भी जो भारत से बाहर हैं जिनके साथ भी बलात्कार होता है, अपराध होता है, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, उनके लिए ये तीनों नंबर 1076, 1090 और 181 के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको बहुत ही लाभकारी हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर पूनी चौधरी, मैं यहाँ के दिव्यनाथ पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हूँ और इसी के साथ साथ मैं दिव्यनाथ पीजी कॉलेज की शिक्षा शास्त्र विभाग की सहायक आचार्य हूँ। आज का ये कार्यक्रम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति योजना के तहत, जो शारदीय नवरात्र से प्रारंभ होकर अगले नवरात्रि तक समाप्त किया जाएगा, इसको ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है हर महाविद्यालय में। और बच्चों को ये बताया जा रहा है, हमारी बालिकाओं को ये बताया जा रहा है कि उनके कौशल विकास से लेकर के जितने भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको उनके तक कैसे पहुंचाया जाए, इसी बात को लेकर के आज का यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी हमारी लड़कियां सहभागिता कर रही हैं, जिसमें हम सभी महिलाएं भी यहां उपस्थित हैं, अलग अलग शासन
एजुकेशन की तरफ से अलग अलग विभागों से भी अतिथि यहाँ अपने उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और अपने अपने विभाग से संबंधित सारी बातों को बच्चों के सामने रख रहे हैं और उनसे उससे ये जानकारी होगी कि वो बच्चे कहाँ तक इन जानकारी को ले प्राप्त करके और इस सूचना को कहाँ तक वो प्रसार कर सकते हैं और अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। इन्हीं सब योजनाओं को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। मेरा नाम डॉक्टर शशि प्रभा सिंह है, मैं दिग्विजयनाथ महिला छात्रावास की प्रभारी हूँ और महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास की सह प्रभारी हूँ तथा इस महाविद्यालय की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की HOD हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के ने एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम गत 23 एवं 24 जनवरी को रखा था जिसमें सभी गोरखपुर के प्रशासन के सभी संबंधित विभाग के अधिकारी आए थे जिन्होंने विभिन्न उम्र वर्ग की महिलाओं से संबंधित योजनाएं जो सरकार चला रही है उनके हित लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार से, तो सभी लोगों ने उसमें अपने अपने संबंधित विभागों की योजनाएं सभी महिलाओं को बताई। लेकिन उन कार्यक्रमों उन योजनाओं की जानकारी ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे इस हेतु महाविद्यालय की छात्राओं ने जिसमें NSS की छात्राएं हैं, महिला छात्रावास की छात्राएं हैं और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जो छात्रावास है महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास, इन तीनों छात्रावासों की लड़कियां चाहती हैं कि विभिन्न गांवों विभिन्न जगहों जहां से वो आई हैं वहां तक ये बात पहुंचे और उन लोगों को भी ये बात बताई जाए। उसी हेतु ये कार्यक्रम आज का आयोजित है जिसमें सभी योजनाओं की जानकारी पंफलेट के प्रतियों को बांट करके दिया जाएगा और उनसे एक प्रश्नावली प्रपत्र भी भरवाया जाएगा कि उनको इस जो बताया जा रहा है आज उसके बारे में उनको कितनी जानकारी हुई। तो इसी हेतु ये कार्यक्रम आयोजित है जिसमें हमारे महाविद्यालय के NSS की महिला विंग की छात्राएं, उनकी प्रभारी डॉक्टर रुक्मिणी मैडम, हमारे महिला छात्रावास की वार्डन डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव मैडम और महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास की वार्डन श्रीमती दुलारमती जी एवं समाज कल्याण के विभाग से अधिकारीगण, उनके लीगल सेल से संबंधित अधिकारीगण, कौशल विकास से संबंधित दो दो अधिकारीगण आए हुए हैं। ये सभी अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र की सारी योजनाओं को से छात्राओं को अवगत करा रहे हैं और उनको पंपलेट भी बांटा जाएगा।